नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के इतिहास में हमने चंद वंश को देखा था। चंद वंश में राज्य प्रशासन व्यवस्था को देख रहे थे। उसके बाद हमने चंद वंश में कर प्रशासन देख रहे थे कि उस चंद के समय में जो लिया जाने वाला कर था वो कितने प्रकार के कर को लिया जाता था उनके शासनकाल में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं चंद वंश में लिया जाने वाला कर, जाने वाला कर, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था स्थिति कर वगैरह, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, घी कर लिया जाता था। घी कर क्या था? जो घी बनाते थे या बेचते थे, तो घी बेचने वालों से जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था घी कर, ठीक है। घी कर किसे कहा जाता था? वो कर जो घी बेचने वालों से जो कर लिया जाता था उसे घी कर कहा जाता था। फिर आता है आपका मोकर। मोकर जो था वो हर परिवार से लिया जाने वाला कर था। हर परिवार से जो कर लिया जाता था वो क्या था? मोकर। फिर है आपका गाय चराई कर। गाय भैंसों को, गाय को चराने के लिए जो कर लिया जाता था उसे हम क्या कहते थे? गाय चराई कर, ठीक है। गाय चराई कर किसे कहते थे? जो गायों को चराने के लिए लिया जाने वाला कर था वो क्या कहलाता था? गाय चराई कर। फिर आता है आपका भैंस कर। तो सपोज कीजिए एक परिवार में 10 भैंसे हैं, तो 10 भैंसों पे प्रत्येक भैंस पे जो कर लिया जाता था उसे भैंस कर कहा जाता था। मतलब एक भैंस पे एक कर, तो प्रत्येक भैंस पे लिया जाने वाला जो कर था वो क्या था? भैंस कर। फिर भांग कर था, ठीक है, भांग कर। उसके बाद है भात कर। तो भात की दावत पे लिया जाने वाला कर को हम क्या कहते थे? भात कर कहते थे। फिर उसके बाद आता है व्यापार कर। तो बुनकरों से जो कर लिया जाता था, जो बुनकर थे, जो सूती वस्त्रों की कताई बुनाई करते थे उनको बुनकर कहा जाता था, और बुनकरों से लिया जाने वाला कर क्या था? व्यापार कर। फिर है आपका जंगलात कर, ठीक है। फिर है खानों का कर, और फिर है न्योवाली कर। न्योवाली कर क्या था? न्याय पाने के लिए जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? न्योवाली कर कहते थे। जगारिया कर, जागर के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? आपका जगारिया कर। फिर आता है आपका रोत्या देवलिया कर। तो राज परिवार की देवी देवताओं की पूजा के लिए जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे हम? रोत्या देवलिया कर। उसको क्या कहते थे? रोत्या देवलिया कर। उसके अलावा चंद्रवंश में जो कर लिए जाते थे, बैकर कर, कूद कर, कटक कर, शिव कर, बजनिया कर, चौकदार कर। उसके बाद है आपका रतगली कर, कनक कर, छिलपति कर, अधूल, छिलपति अधूल कर। छिलपति अधूल कर जो है वो बरसात में जैसे सड़कें टूट गई हैं तो उनकी मरम्मत के लिए जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे हम? छिलपति अधूल कर। तो यहाँ पे हमारे जो था चंदों के समय लिया जाने वाला जो कर था, मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे वो कर हमने यहाँ पे देखे। और यहाँ से हम चंद्रवंश को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल में परमार वंश, ठीक है। आज के लिए इतना ही, देख लीजिए इतना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डिजाइन बना लिया करो, ऐसे होगा इसको लगा के उसका इस्तेमाल करके।